हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिस टॉपिक में हम अभी रोज़ बरोज़ की लाइफ में भी हम ये टॉपिक के बारे में सोचते भी हैं और कहीं ना कहीं पे ये देखते भी हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक है स्विगी के डिलीवरी बॉय के बारे में। स्विगी डिलीवरी बॉय कैसे बनते हैं, स्विगी डिलीवरी बॉय कैसे बना जाएगा, स्विगी डिलीवरी बॉय की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, उसकी स्किल क्या रहेगी, उसका प्रोसेस क्या रहेगा और उसकी सैलरी क्या रहेगी, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट कि स्विगी डिलीवरी बॉय बनोगे तो कंपनी की तरफ से क्या क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं स्विगी डिलीवरी बॉय के बारे में जानने के लिए। तो सवाल पहला ये है कि स्विगी डिलीवरी बॉय कैसे बने। आज के युग की व्यवस्था के कारण बहुत से लोग खाना पीना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया जा सकता है। उसमें से मुख्य ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाली कंपनियां स्विगी, उबर बीट्स, फूड पांडा, जोमेटो ऐसी कंपनियां हैं। स्विगी अभी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी मानी जाती है जिसमें ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया जाता है और टाइम टू टाइम कस्टमर को दिया जाता है, और जो वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके जो देता है उसको हम डिलीवरी बॉय कहते हैं। तो उसको हम स्विगी डिलीवरी बॉय भी कह सकते हैं। अगर आपको स्विगी डिलीवरी बॉय बनना है तो इस वीडियो में मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है, तो ये प्रोसेस सुनने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्विगी डिलीवरी बॉय की योग्यता क्या रहेगी? पहला रहेगा, इस जॉब के लिए आपकी जो भी योग्यता में से एक है वो है मोटरसाइकिल या स्कूटी होना, मतलब कि आपके पास अपनी ओन पर्सनल गाड़ी होनी या फिर बाइक हो, कुछ भी एक पर्सनल व्हीकल होना बहुत ही ज़रूरी है। एक आपका आईडी प्रूफ, मतलब कि आप इंडिया के हो, आपका जो भी आईडी प्रूफ रहेगा वो पूरा एक पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड होना कंपलसरी है। काम करने के लिए 5 से 10 घंटे होना, मतलब कि अगर आप काम करना चाहते हो तो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे आपको काम करना पड़ता है। मूल अंग्रेजी पढ़ना, मतलब कि बेसिक अंग्रेजी जिसको आती हो वैसा बंदा वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो सकता है। स्विगी में अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास होना कंपलसरी है। अगर आपकी 12th से नीचे है एजुकेशन तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर दोस्तों आप फ्रेशर हो, ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हो तो स्विगी में अप्लाई ज़रूर करना। 10th पास एक बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th पास के लिए ये। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम एक डिलीवरी बॉय की स्किल के बारे में जानने के लिए। स्विगी डिलीवरी बॉय का हॉनेस्ट होना, ट्रस्टवर्दी होना और वर्क में पंक्चुअल होना, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन अच्छी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें उसमें रहेगी तो उसके डिलीवरी के रिगार्डिंग उसको कभी इशू नहीं आएगा, क्योंकि हॉनेस्ट होना तो ऑब्वियस है कि हर जगह पे होता ही है, कि उसकी अपनी काम की प्रामाणिकता दिखानी रहती है। ट्रस्टवर्दी होना, जैसे कि कस्टमर को जो भी खाना पीना पहुंचाना है वो बड़े ही ट्रस्ट के साथ जाना चाहिए कि हाँ, पैकिंग नहीं टूटा है या फिर नहीं कोई इशू हुआ है। तीसरा है पंचुअल वर्क होना, उनका टाइम टू टाइम पहुंचना डिलीवरी लेके और टाइम टू टाइम उनको डिलीवरी सर्विस करवाना, वो एक स्विगी डिलीवरी बॉय की मेन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल, अगर वो अच्छे से कम्युनिकेशन करता है तो कस्टमर भी इम्प्रेस होते हैं और अच्छे रेटिंग देते हैं, तो कंपनी के लिए भी ये बेनिफिट है और सामने वाले बंदे के लिए भी बेनिफिट है। तो दोस्तों, स्विगी डिलीवरी बॉय में ये 4 मेन स्किल्स होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं स्विगी डिलीवरी बॉय होने के लिए जो भी प्रोसेस रहती है उसके बारे में। स्विगी में डिलीवरी बॉय बनने के लिए 2 टाइप के फॉर्म भरे जाते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश के बारे में बात करो तो ये स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे आप जा सकते हो और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हिंदी के बारे में बात करो तो ये स्क्रीन पे दिखा हुआ जो आपको वेबसाइट दिख रही है उसके ऊपर जाके भी आप फिलअप कर सकते हो। अगर मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताती हूँ तो वेबसाइट में जाना रहता है। यदि आपने अंग्रेजी वाला लिंक खोला है तो वो वहाँ पर राइड विथ अस लिंक कर कर क्लिक कीजिए, और यदि हिंदी वाला लिंक खोला हुआ है तो हमारे साथ सवारी करें लिंक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद वहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, शहर और वाहन का विवरण, मतलब कि आपकी जो भी डिटेल्स रहती है वो देनी रहती है। फिर उसके बाद आपको रजिस्टर करना रहता है। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे रजिस्टर में नाम जमा करवा लेते हो। उसके बाद आपके पास स्विगी कंपनी से एक मोबाइल फोन पे एक ओटीपी जैसा जनरेट होके आएगा, और उसके अंदर सेंटर पर कुछ डॉक्यूमेंट लेकर बुलाया होगा।
सेंटर पे अगर आपको डॉक्यूमेंट लेके बुलाया है तो वहाँ वो डॉक्यूमेंट की पूरी वेरिफिकेशन होगी। डिलीवरी पार्टनर के जो भी नियुक्त करनी रहेगी वो नियुक्त होंगे, और स्विगी में जो भी डिलीवरी बॉय को डिलीवरी पार्टनर ही कहा जाता है, तो डिलीवरी पार्टनर को 45 मिनट के स्विगी ऐप से संबंधित एक छोटी छोटी ट्रेनिंग सत्र में बुलाया जाएगा, और उसके 600 रुपये की सिक्योरिटी जमा करवा के स्विगी की एक टी शर्ट और बैग के साथ उसको नौकरी पर भेज दिया जाएगा। मतलब आप ऑन दी स्पॉट नौकरी पे लग सकते हो। तो दोस्तों अगर शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूं तो आपको एक लिंक पे या फिर वेबसाइट पे क्लिक करना रहेगा, राइड अस वाली या फिर हमारे साथ सवारी करें उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपका फ़ोन नंबर, आपका जो भी शहर है वो, वाहन और उन सारी डिटेल्स को फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। अगर आप जेन्युइन रजिस्ट्रेशन हो गए हो तो आपके मोबाइल पे एक डॉक्यूमेंट लेके स्विगी सेंटर पे बुलाया होगा, तो आपको वहाँ पे जाना रहेगा और आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी 45 मिनट की स्विगी ऐप पे। अगर आप उसमें सक्सेस होते हो तो 600 रुपये डिपॉजिट के साथ आपको एक स्विगी टी शर्ट और बैग के साथ डायरेक्ट नौकरी पे रख लिया जाता है। अगर आप बहुत ही जल्दी इमीडिएट बेस पे जाना चाहते हो तो स्विगी में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, तो आप ज़रूर सक्सेस हो सकते हो। दोस्तों हम बात करते हैं स्विगी डिलीवरी बॉय की सैलरी के बारे में। अगर सैलरी के बारे में हकीकत में बोला जाए तो स्विगी का थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा तीन टाइप का एक दिया गया है कि आप कैसे कैसे सैलरी कर सकते हो। पहला है कि आप फुल टाइम के लिए डिलीवरी पार्टनर हो तो आपसे आपको कम से कम 12 से 20 हज़ार मिलती है, और अगर आप ज़्यादा करते हो काम तो 30 हज़ार से 50 हज़ार मिलती है। अगर आप हाफ टाइम पे आ रहे हो तो 7 हज़ार से 12 हज़ार मिलती है, और हाफ टाइम में भी अच्छा काम कर रहे हो तो 15 से 20 हज़ार। अगर आप टेम्पररी हो कि 3 4 दिन कर रहा है, कभी कभी करना है, तो फिर वो 6 से 8 हज़ार की आपकी इनकम होती है, और उसके बाद अगर आप ज़्यादा काम करते हो, एक्स्ट्रा टाइम करते हो, तो 8 से 12 हज़ार की इनकम होती है। तो दोस्तों तीन टाइप में स्विगी में आप इनकम पा सकते हो, और इमीडिएट बेस पे ज्वाइन भी हो सकते हो, ये उसका बेनिफिट है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो ज़रूर अप्लाई करना, वेबसाइट जो दी गई है उसके ऊपर सारी डिटेल्स फिलअप करना। स्विगी डिलीवरी बॉय अगर कंपनी में ज्वाइन होता है स्विगी कंपनी में, तो क्या-क्या चीज़ें उसकी बेनिफिट में है। पहला कि उसकी जो भी सैलरी रहेगी कम से कम 7 से 8 हज़ार की वो गारंटीड है। हर सैलरी उसके 1 वीक में मिलती है, तो 1 वीक की सैलरी आपको मिलती है। कोई एजुकेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th पास वो बहुत ही इनफ होता है। इमीडिएट बेस पे ज्वाइनिंग होता है, और उसके बाद अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपको प्रमोशन दिया जाता है। प्रमोशन में आपको एक कोच बनाया जाता है, और कोच बनने में आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। डिलीवरी बॉय मतलब कि जो अस्थाई होता है, टेम्पररी होते हैं, वो 3 शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन काम कर सकते हैं। मतलब कि जो आपके हॉलीडेज रहते हैं उसमें आप काम कर सकते हो। अस्थाई डिलीवरी बॉय प्रत्येक दिन में 5 घंटे काम करता है। पार्ट टाइम के लिए सप्ताह में 6 दिन 5 घंटे काम करना अनिवार्य है। मतलब कि आपको ये कंफर्ट जोन दिया जाता है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो। फुल टाइम डिलीवरी बॉय के लिए सप्ताह में 6 दिन मतलब कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करना रहता है। अगर वो फुल टाइम स्विगी को दे रहा है तो 10 घंटे, पार्ट टाइम दे रहा है तो 5 घंटे, और अगर टेम्पररी है तो भी 5 घंटे पर 3 दिन। ऐसे उसका बेनिफिट का मज़ा लिया जा सकता है, और बेनिफिट उसके जो भी है वो बड़े ही अच्छे लेवल पे है। अगर आप ज्वाइन होना चाहो तो बेनिफिट्स आपको बड़े अच्छे मिलेंगे, आप ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों स्विगी डिलीवरी बॉय के बारे में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो बड़ी ही श्योर है। अगर आप ज्वाइन होना चाहो तो आज के ही आज अप्लाई कर देना, और आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।